साथियों, यूपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार एक प्रश्न मैपिंग के अंतर्गत ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, अरल सी, इन सब सी से देखने को मिलता है, जिसमें इनके सराउंडिंग कंट्रीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी जानकारी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक सी। ब्लैक सी के चारों तरफ जो देश पाए जाते हैं उनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है। जी हाँ साथियों, अलग से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक बस आपको याद करना है। और आप सब लोग बर्गर और टी तो पीते ही होंगे, तो बर्गर आप खाते हैं और टी आप पीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बर्गर टी। जी हाँ साथियों, बर्गर टी से स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया, टर्की, ये देश जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी के चारों तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो स्ट्रेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डार्डनलीज स्ट्रेट, बॉस्प्रस स्ट्रेट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो डार्डनलीज स्ट्रेट है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है, इस पारिप्र भाग में एजियन सी है, यहां पर मरमरा सी है, और मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में बॉस्प्रस स्ट्रेट है। तो छोटा सा चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और इन दोनों के बीच में छोटा सा आपके सामने एजियन सी, मारमरा सी से भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ अजोब सी भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक प्रश्न बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि है आपका ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।